नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की जंग देखने को मिल रही है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल का साथ मिला है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। दरअसल काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पांचों चुनावी राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला किया है और सभी मुसलमानों से समर्थन करने की बात कही है। इस दौरान उनके साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। कांग्रेस को समर्थन दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रजा को धन्यवाद भी दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने यूपी में कांग्रेस को समर्थन देने को लेकर क्या कहा, पहले ये सुनिए और फिर आपको बताएंगे इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग, उत्तर प्रदेश से प्यार करने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अमन बरकरार रखना है तो किसी भी कीमत पर अपने वोट को तकसीम नहीं होने देना है, कांग्रेस की हिमायत पर वोट करना है। और कांग्रेस के साथ जब मुसलमान और दलित और तमाम लोग खड़े हुए हैं तब तक कांग्रेस ने सरकार बनाई है और इस बार भी इंशाल्लाह हम सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। इसकी नौबत ही नहीं आएगी, वो सवाल मेरा है, मैं बता। ये फैसला कांग्रेस ने करना है, लेकिन गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर हमें कुर्बानी भी देना पड़ती है तो हमें देना। मैं आज अपनी कुर्बानी, अपनी पार्टी की कुर्बानी देकर आपके साथ आया हूँ। अगर आपको किसी का साथ देना पड़े तो मेरी दरख्वास्त है, फैसला कांग्रेस ने लेना है कि किसका समर्थन, जिसके भी ज्यादा MLA होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात है। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल की ओर से समर्थन दिए जाने पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पात्रा ने पूछा है कि क्या वो कट्टरपंथी संगठनों का हिस्सा बन गई है। पात्रा ने तौकीर रजा का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है और सुनिए क्या कुछ कहा। जब एक औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इतिहाद ए मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। और अभी भी हमने देखा कुछ मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है और तौकीर रजा खान के समर्थन के विषय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। आज ये सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है। याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में, ऐसी बातें कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रिड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए
उन्होंने भी रजा का एक पुराना वीडियो शेयर कर काउंसिल को नफरत फैलाने वाला बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।